जय विजय के कल्प वाली, तहां जलंधर रावण भय वो उसके कल्प वाली, कश्यप अदिति जी जहां पे तुम आता, नारद जी महाराज के शाप से भगवान क्षीरसाई श्री विष्णु प्रभु के अवतार की कथा। तो तीन कल्प की कथा शिव बाबा सुना चुके हैं। वहां भगवान विष्णु ही रामस्वरूप में आए हैं, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। अब ये देखिए, अब भोले बाबा वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें परमात्मा हमारे आपके प्रभु साकेताधिपति ब्रह्मराम श्री अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के लाला सरकार होकर आए, इसलिए यह कथा श्री राम जय जय राम। बाबा क्या चल रहा है ना, हमारे यहां शास्त्र भी देखे पीछे पटक पटक कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये उत्पाद बंद कर रहे, ये समय मिले थे। मेरे बाप जी एक आवश्यक कार्य बस चले गए हैं, उनके पास तो इतने काम रहते हैं कि क्या बताएं। तो जब पिता घर में ना हो तो लड़का सब ऐसे हो जाता है, आऊं माऊं टाऊं, जो 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 मन करता करता रहता है, आनंद है। तो बाबा की ये पंक्तियां सुनिए और उसका आश्रय करिए। बैठी शिव समीप हरशाही, पूर्व जन्म कथा चित आई। हम मेरे बाबा सुनाते हैं इस कल्प की कथा, वैवस्वत मनमंत्र के पावन कल्प की कथा। कौन से ले लीजिए, देखो माता जी बगल में बैठी हैं। कल्पना करिए, पति पत्नी आसपास बैठे और सत्संग शुरू हो रहा है, क्या गाया जाए। बाबा बगल में बैठाए माई को, अपर है तो सुनो शैल कुमारी, अपर है तो शैल बंधु समेत हरे मुनि निवेश, बंधु समेत
जासो चरित अवलोकी भवानी जासो चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहियो बोला से इस प्रसंग को श्रवण करिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।